हेलो फ्रेंड्स, सुमन की बगिया में आपका स्वागत है और मेरा प्यार भरा नमस्कार भी आप सबके लिए। देखिए, आज तो मतलब आपका मन खुश कर देने वाला फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर। आज सुबह का टाइम है और सुबह 10-11 बजे हैं और देखिए धूप में ये फ्लावर्स एकदम खिल जाते हैं और इनको कहा जाता है पोर्चुलिका के फ्लावर्स, और इनको 9 o'clock भी बोला जाता है, ऑफिस टाइमिंग्स फ्लावर्स भी बोला जाता है। देखिए कितने कलर्स में, बहुत मैं अभी बताऊंगी आपको कि किस तरह इसकी पॉटिंग मिक्स में क्या लगाना है और कितने इजीली आप इसको लगा सकते हैं। देखिए पिंक कलर, ये देखिए मैजेंटा, डार्क पिंक कलर, और मेरे पास रेड में भी है। देखिए ये आ रहा है, रेड में भी है, ये देखिए रेड कलर में, इधर भी है रेड में, देखिए ये भी है रेड में, बहुत सारे हैं। मेरे टेरेस पे भी बहुत खिले हुए हैं। आज तो मैं आज घर पे हूं तो मैंने देखा, ये देखिए ये भी रेड और ऑरेंज भी हैं। देखिए ये येलो ऑरेंज हैं, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। देखिए एकदम ऐसे लग रहा है छोटे छोटे से, ये देखिए येलो ऑरेंज, एक और भी लाइट येलो भी है, मुझे अभी दिख नहीं रहा, लगता है छत पे होगा टेरेस में। और देखिए छोटा सा मतलब येलो ऑरेंज, ऐसे लग रहा है जैसे छोटे छोटे रोज खिल गए हो, बहुत सुंदर लगते हैं। अच्छा अब हम इसकी अगर हम इसकी, हाँ ये देखिए, ये देखिए ये वाइट, देखिए आप वाइट, ये देखिए वाइट भी है मेरे पास, ये देखिए छोटा सा आया हुआ है वाइट, ये भी आया हुआ है, और भी थे वाइट। ये कौन सा है, तो पिंक ही है ये वाला, ये रेड है, तो बहुत सारे का, एक येलो इसमें मिसिंग है, वाइट तो मिल गया मुझे, लाइट येलो भी है मेरे पास। तो देखिए बहुत सुंदर लगते हैं, और सबसे मजे की बात है कि इसकी अगर हम पॉटिंग मिक्स की बात करें, देखिए ये मैंने अभी उतार के, ये मेरी वैसे रेलिंग पे लगा हुआ है, देखिए ये रेलिंग वाला बास्केट है मेरा, जैसे हैंगिंग बास्केट होता है ऐसे रेलिंग बास्केट होते हैं, लेकिन अभी मैंने इसको उतार के, क्योंकि रेलिंग पे बनाना वीडियो मुश्किल हो जाता तो मैंने इसको यहाँ रखा है। देखिए इसमें भी मैंने जो, देखिए इसका पॉटिंग मिक्स देखिए, ये जो डाला हुआ है वो मैंने मिट्टी नहीं डाली हुई है, इसमें भी मैंने कोकोपीट और घर की बनी हुई कंपोस्ट, जो मैंने दिखाया भी है मैं किस तरह बनाती हूँ, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी कि मैं कंपोस्ट किस तरह बनाती हूँ। और देखिए ये वाइट वाइट दिख रहा होगा आपको बीच बीच में, परलाइट है, वर्मीक्यूलाइट भी डाली हुई है। तो इस सबका पॉटिंग मिक्स क्यों बनाती हूँ, कोकोपीट का जो मैं हमेशा बताती हूँ, ताकि ये मेरा, क्योंकि रेलिंग पे लगना है तो लाइट रहना चाहिए, हैवी अगर हम सॉइल डालेंगे तो बहुत हैवी हो जाएगा और टूटने का खतरा हो जाएगा बास्केट का, तो इसलिए ये बनाती हूँ। और जहां तक अब हम इसकी पॉटिंग मिक्स की, हाँ ये तो मैंने क्योंकि मैंने हैंग करा हुआ है रेलिंग पे, लेकिन अगर आप नॉर्मल मिट्टी में भी आप कहीं भी लगाएंगे, मेरा इन बास्केट्स में भी छत पे है वो भी इसी पॉटिंग मिक्स में है, लेकिन अगर आप नॉर्मल मिट्टी में भी लगाएंगे तो भी ये बड़ी इजीली आ जाएगा, उसके लिए आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की, किसी भी तरह की हम पॉटिंग मिक्स में लगा देंगे वो चलेगा। ये तो सिर्फ हैंग करने के लिए है, रेलिंग है इसलिए ये पॉटिंग मिक्स, अदरवाइज ये फ्लावर बहुत मजेदार है, जहां भी कहीं भी लगा दोगे ये आ जाएगा। अच्छा और इसकी फर्टिलाइजर की जहां तक बात करें, तो इसको मैं हमेशा ही लिक्विड फर्टिलाइजर देती हूँ, दो तरह का, या तो मैं इसको कंपोस्ट देती हूँ, जो कंपोस्ट बनाते हैं उसके लिक्विड फर्टिलाइजर जो निकलता है, पानी निकलता है वो देती हूँ, या इसको मैं काउडंग का, जो डंग काउडंग होती है उसको फर्मेंट करके जो उसका पानी होता है वो पानी देती हूँ, उससे ये फ्लावर्स, देखिए जैसे जैसे धूप पड़ेगी वैसे वैसे ये खिलेंगे, देखिए ये देखिए बहुत सुंदर लगते हैं। अच्छा और इसमें एक और बात रहती है, देखिए ये वाला फ्लावर, देखिए ये कल आया था और ये चला गया, हमें जैसे ही आए ना, अगर हमारा मतलब वहां तक हम रीचेबल है तो ये उतारेंगे, लेकिन देखिए इसको कितना, अभी मैं ये एक मिनट रख देती हूँ, देखिए ये कितनी आसानी से मतलब ध्यान से उतारना है इसको, अगर हम ऐसे ही तोड़ेंगे तो ये देखिए ये कली बन रही है, ये कल तक खिल जाएगी, तो इसको तो निकाल दिया मैंने, लेकिन इतना ध्यान से निकालना है कि ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम पुराने वाले फ्लावर्स को निकाल सकते हैं। अच्छा और जो वाटरिंग की बात करें, तो इसको पानी दे दीजिए, चाहे आप हर रोज भी थोड़ा सा पानी दे देंगे, देखिए अगर आपकी पॉटिंग मिक्स वेल ड्रेन्ड है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे कोकोपीट वाली हो चाहे नॉर्मल सॉयल हो सैंड जो भी, लेकिन अगर वो वेल ड्रेन्ड है तो आपको पानी इसको दे देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जितना पानी इसको चाहिए वो लेगा, बाकी ड्रेन आउट हो जाएगा।
तो चलिए हमने सॉइल की बात कर ली, इसकी पॉटिंग मिक्स की, हमने पानी की बात कर ली, वाटरिंग कैसे देनी है, फर्टिलाइजर की बात हो गई हमारी। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये वाला तो काफी बड़ा खिल गया है। तो अब हम इसकी लाइट की बात करते हैं कि सनलाइट देख ही पा रहे हैं आप इसको कितनी अच्छी। इस टाइम देखिए 11 बजे है और कितनी अच्छी सनलाइट में ये बैठा है। तो जैसे ही हम इसको मॉर्निंग में पानी देती हूँ और सनलाइट जैसे ही लाइट पड़ती है, मेरे जो फ्लावर्स हैं वो सारे खिल जाते हैं धूप लगते ही। तो देखिए अब ऑलमोस्ट सभी, बहुत ईजी प्लांट है, ईजी टू ग्रो है और कोई मेंटेनेंस नहीं मांगेगा। और जो बिगनर्स हैं और जिनको फ्लावर से बहुत प्यार है, तुरंत ये वाला लगा लीजिए। अगर देखिए आप नर्सरी में जाएंगे तो ये आपको एक थैली में 15 कोई 10 या 20 एट द मैक्सिमम, मतलब 20 रुपीज की वो थैली आपको जो देगा पॉली बैग में लगा हुआ एक एक कलर में, तो वो ले सकते हैं। अगर नहीं तो आप देखिए, मैं आपको इसकी प्रोपेगेशन दिखाती हूँ, आपको करना क्या है। देखिए आप कहीं भी जाएं, आपको ये इस तरह से ये लगा हुआ दिखे पॉट्स में। आप देखेंगे बिल्डिंग्स के बाहर, घरों के बाहर, ऑफिस के बाहर इस टाइम तो खूब पॉट्स लेकर आया हुआ है। आपको बहुत इजीली देखिए, जैसे ये स्टेम है इसकी, ये तो फूल आ रहा है आज, इसको देखिए आप। कुछ नहीं करना, आप हाथ से ऐसे ही तोड़ लीजिएगा अगर आपके पास नर्सरी जाने का टाइम नहीं है। देखिए बहुत इजी है, इसकी ये वाली लीव्स को आप उतार लीजिए, देखिए इस तरह से, इसी में ही डाल देती हूं मैं तो। और इसको भी अगर आप चाहें इसके भी दो हिस्से कर लीजिए, लीजिए ठीक है। और इसमें ये वाली और थोड़ी सी लीव्स निकाल दीजिए, और इसकी भी नीचे वाली जो लीव्स हैं वो निकाल दीजिए। और इसको इजीली देखिए यहाँ पे इसको दबा दीजिए, बस कहीं भी मिट्टी हो आपकी, देखिए पॉटिंग मिक्स हो, कोई मिट्टी पड़ी हो, देखिए बस दबा दीजिए इसके के टुकड़े करके। आप देखेंगे विद इन अ वीक आपके पास काफी सारा पॉर्चुलिका बन जाएगा और ये अपने आप फैलता रहेगा। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट जो टिप है इसके लिए ग्रो करने की, देखिए जैसे मैंने अभी अभी किसी जगह से स्टेम से इससे काटा या किसी भी स्टेम से मैंने इसको तोड़ा, जैसे ही मैं इसको तोड़ूंगी, देखिए यहां से मैंने तोड़ा होगा तो इसकी और स्टेम बन जाएगी, देखिए यहां से मैं तोड़ दूंगी तो इसकी और स्टेम बन जाएगी, इसको प्रूनिंग कहते हैं। तो हमें लगातार इसकी प्रूनिंग भी, देखिए मैं जैसे यहां से अभी ये बढ़ आ रही है, इसको तोड़ दिया, ये देखिए अब क्या होगा, ये तो मेरा एक अलग से बन गया प्लांट, और जहां से मैंने तोड़ा था यहां से भी 2-3-4 और इसकी स्टेम्स निकल आएंगी। तो देखिए इस तरह से हम अपने पॉर्चुलिका को बढ़ा सकते हैं, और कहीं से भी मिले, किसी भी कलर का मिले, रेड वाइट, जो गार्डन प्लांट्स लवर या फ्लावर लवर या गार्डन जो लवर्स जो भी होते हैं, हम आपस में भी एक दूसरे को, जिसके पास ये कलर नहीं है मुझे व्हाइट कलर दे दो, मुझे पिंक कलर दे दो, कि ठीक है नर्सरी नहीं जाने का टाइम मिल रहा, तो बस इतनी सी एक स्टेम दे देंगे एक दूसरे को तो भी ये इजीली लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैंने काफी इसकी केयर टिप्स की बात कर ली और अब आप सब लोग इजीली इसको लगा पाएंगे। बहुत सुंदर है, जरूर लगाइएगा समर्स में। और ये तो अगर आप पूछना चाहें ये कौन सा है, ये तो मैंने पहले भी इसकी वीडियो डाली हुई है, पर्पल हार्ट है, और इसकी वीडियो पहले भी डाली हुई, बहुत सुंदर लगता है। ये भी बहुत इजी टू ग्रो है, इसको भी आप कहीं भी मिट्टी में कहीं से भी, स्टेम इसकी देखिए इस तरह से है, ये देखिए इसकी भी कहीं से, ये तो काफी बड़ी हो रही है। अगर मैं इसकी भी यहाँ से स्टेम, ये देखिए चलो मैं बता ही देती हूँ, तो इसको भी तोड़ के और मैं यहाँ पे इसको दबा दूंगी तो ये भी एक नया प्लांट बन जाएगा, और वहां से भी इसकी स्टेम्स जो हैं और निकल आएंगी 2-3। तो देखिए इस तरह से हम अपने, और ये हैंगिंग बास्केट्स वगैरह में बहुत सुंदर लगता है, तो इस तरह से हम अपने प्लांट्स को बढ़ा सकते हैं। और फ्लावर्स तो समर्स में ये वाले फ्लावर्स सबसे सुंदर लगते हैं, तो आप इसको मिट्टी में लगाइए, चाहे हैंगिंग बास्केट्स भी मेरे पास बहुत सारी बनी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगी। अभी इधर गर्मी बहुत है तो घूमना बहुत मुश्किल है, तो मैंने एक जगह रख लिया था कि आप लोगों को दिखा पाऊं मैं, तो हैंगिंग बास्केट्स में भी बहुत सुंदर लगेगा। तो इसी के साथ ही मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि जिसने मेरे चैनल को सुमन की बगिया को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए ओके बाय।